अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। इसकी क्या जरूरत है? मैंने सोचा कि खाली हाथ जाना ठीक बात नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आई। शुक्रिया रूबी। तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम वही रूबी हो। ये लिबास, ये अंदाज, तुम्हारे पहनावे में काफी बदलाव आ गया है। सिर्फ पहनावे में नहीं, मेरे में भी काफी बदलाव आ गया है। यूं समझो कि पुरानी रूबी मर गई है। तुम में ये बदलाव आया कैसे? अपनी तहजीब, अपने कल्चर का एहसास हो गया मुझे। अपने दिल का सुकून और रूह की पाकीजगी से महरूम हो गई थी। तुम्हें पता है, अपनी अब तक की जिंदगी मैंने बेकार में जाहिर कर दी। तुम्हारे ख्यालात इतने बदल जाएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था रूबी। अमीरा, अब अगर मेरी जिंदगी में कोई कमी है तो वो सिर्फ समीर। अगर वो मुझे माफ कर दे तो मैं अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझूंगी, और अगर ऐसा ना हो तो मुझसे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारी लगन सच्ची है तो यकीन करो रूबी, समीर तुम्हें जरूर मिलेगा। बस मैं यही दुआ करती रहती हूँ। मुझे देखो ना, मैं भी कितनी पागल हूँ, अपना रोना लेकर बैठ गई। अमीरा, जब मैंने तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह को प्यारा हो गया। अमीरा, मुझे अपने इस गम में पराया मत समझो। ऐसी बातें मत करो रूबी। क्या तुम मुझे रुलाना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे आंसू बांटना चाहती हूँ। ओहो रूबी, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? दुनिया की नजर में तो बहुत खुश हूँ, ओमेगा फाइनेंस कंपनी की सीईओ बन गई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। और मेरे बारे में तो तुम जानती हो, अगर हम दोनों चाहें तो एक दूसरे का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। नहीं ताकीर, आप बिजनेस को ताल्लुकात में इन्वॉल्व मत कीजिए। ओहो, तो ताल्लुकात यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, और आगे भी बढ़ सकते हैं। काश काश कि समीर की समझ में ये बात आ जाए। या कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, ये कुछ चेक्स हैं, इन पे मैंने साइन कर दिए हैं। जिन जिन लोगों को पेमेंट्स करनी है उनकी लिस्ट है ना तुम्हारे पास? यस सर। गुड, ये पेमेंट उन्हें दे देना। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। आप बेफिक्र हो जाइए सर, मैं सब संभाल लूँगा। और कोई काम है सर? नहीं, बस ऑफिस में जो जो हो रहा है उसकी इतला मुझे करते रहना। जी ओके सर। हेलो, मैं ओमेगा फाइनेंस कंपनी से बोल रही हूँ, अक्रम साहब को फोन दीजिए। अक्रम साहब तो अभी भी बाहर निकले हैं। ओह ठीक है, वो आए तो उनसे कह दीजिएगा कि रूबी को फोन करें। मैडम, वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, दरअसल वो शहर से बाहर जा रहे हैं। आज तुम बाहर जा रही हो इसलिए तुमसे मिलने हम यहाँ आ गए। अच्छा किया अम्मी, अगर आप नहीं आती तो मैं ही चली आती आपसे मिलने। बेटे, कब तक लौटने का इरादा है? बस कुछ ही दिनों में। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं बेटी, अल्लाह तुम्हारा सफर आसान करे। बस खुशी खुशी जाओ और खैरियत से लौटो। आमीन। अब हमें चलना चाहिए। बेटी अपना ख्याल रखना, कहीं मेरी फूल जैसी बच्ची को जमाने की हवा मुरझा न दे। अल्लाह तुम्हारा निगहबान रहे बेटी। और बेटी ये दुआ अक्रम के लिए भी है, उन्हें हमारा सलाम कहना। जी जरूर। चलो बेटी हम चलते हैं। तुम अंदर जाओ बेटी, हम चलते हैं। हेलो। ये आवाज तो तुमने पहचान ली होगी, भूल भी कैसे सकती हो? बोलो रूबी, अब मुझसे क्या काम आ गया तुम्हें?
मुझे फोन करने की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने तुमसे नहीं, अकरम से बात करने के लिए फोन किया है। मुझे उससे कुछ बिजनेस की बातें करनी है। वो इस वक्त घर पर नहीं है। अपना मोबाइल भी उसने ऑफ कर रखा है। मोबाइल उनके पास नहीं है, घर पर भूल के गए हैं। ठीक है, तो जब वो वापस आ जाए तो उसे समझा देना कि जब किसी से लोन लिया जाता है तो उसे वापस लौटाया भी जाता है। अपनी इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भेजते वरना मजबूरन मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम हीना, क्या हुआ? किसका फोन था? रूबी का। क्या कह रही थी वो? वो कह रही थी कि लोन की इंस्टॉलमेंट अगर नहीं दी गई तो वो नोटिस भिजवा देगी। क्या? लेकिन मैं तो इंस्टॉलमेंट वक्त पे कर रहा हूँ। उसने बड़े जहरीले अंदाज में कहा कि अगर लोन लिया जाता है तो उसकी रिपेमेंट भी की जाती है। मुझे बहुत बुरा लगा। ये उन कंपनियों के नाम है जिन्होंने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लोन लिए लेकिन रीपेमेंट नहीं की। सबको नोटिस भेज दो, पैसे वक्त पर पहुंचाने चाहिए। जी मैडम। अकरम, क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि मेरे कैबिन में बिना इजाजत आना मना है? कौन कहता है कि तुम बदल गई? तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। मैं सचमुच बदल गई हूँ अकरम, लेकिन क्या है कि मेरे ऑफिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बदले, एंड दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और तुमने जो मेरे घर फोन किया उसे क्या कहते हैं? क्यों, क्या गलत किया मैंने? तुमने मेरी इंसल्ट की है। व्हाट रबिश! मैंने अपने लोन की रिपेमेंट का तकाजा किया तो तुम्हारी इंसल्ट हो गई? मैंने अपना फर्ज निभाया अकरम, तुम्हारी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये बात बिजनेस की है और बिजनेस की बात घर पे फोन करके नहीं की जाती। अगर तुम्हें बात करनी थी तो मुझे मेरे ऑफिस में फोन करती तुम। मैंने तुम्हारे ऑफिस में फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो और मेरा तुमसे बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था। वो क्या है कि मैं अपनी ड्यूटी निभाने में कोई कमी नहीं रखना चाहती। तुमने अभी अभी यहाँ का चार्ज लिया है, कम से कम इतना तो पता करती कि मैं अपनी इंस्टॉलमेंट वक्त पे पे कर रहा हूँ या नहीं, उसके बाद शिकायत करती। मुझे किसी पर भी झूठा इल्जाम लगाने का कोई शौक नहीं है अकरम। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे अपने रिकॉर्ड्स चेक करो, चेक करो अपने रिकॉर्ड्स। मैंने सारी इंस्टॉलमेंट्स वक्त पे पे किए। तुमने अपने सारे इंस्टॉलमेंट्स वक्त पर पे किए होंगे अकरम, लेकिन अब तक मेरे कंपनी के अकाउंट में नहीं आए। एंड नाउ यू मे लीव माय ऑफिस, गेट आउट। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होगा? तो भाई इस तरह खामोश रहने की वजह? सोच रही थी जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ओ, तो आखिर तुम समीर के बारे में सोचने ही लगी? क्यों, क्या आप समीर का भला नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहता, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, मैं भी हमदर्द हूं उसका तुम्हारी तरह। तो आखिर समीर को रूबी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि उसे कोई और लड़की तो पसंद नहीं आती और रूबी उसका पहला प्यार है। हो सकता है कि रूबी से शादी करने के बाद वो हीना का काम भूल जाए और उसकी जिंदगी हंसी खुशी गुजरे। मुझे भी ऐसा ही लगता है, रूबी समीर के लिए मुनासिब रहेगी, वो बदल गई है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे खानदान की सोच में ढल चुकी। शायद कुदरत को समीर पर तरस आ गया है। अब सवाल ये है कि समीर को रूबी से शादी करने के लिए राजी कैसे किया जाए? ये काम तो हमें किसी भी हाल में करना ही होगा ताकि, वरना वरना अबू की आस टूट जाएगी।
हाथ छोड़ो मेरा। समीर, मैंने तुम्हारा साथ पाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। अब मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला हूँ रूबी। समीर, समीर, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बस बहुत सुन चुका हूँ मैं ये सब। अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। समीर, समीर, तुम कब तक मुझे अवॉइड करोगे? मैंने अपने आप को तुम्हारा साया बना लिया। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम भूल रही हो रूबी, अंधेरे में साया साथ नहीं देता। मुझे एक बार आजमा के देख लो। तुम्हें एक नहीं, कई बार आजमा कर देख चुका हूँ मैं तुम्हें। लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अब तुम लाख कोशिश भी कर लो, मेरे दिल में और मेरे घर में तुम हीना की जगह नहीं रह सकती। जस्ट माइंड इट। हीना, अब तक हम दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। मैं उस दीवार को गिराकर ही दम लूंगी। हेलो। हेलो हीना बेटी, मैं भाटिया बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। आपके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। मैंने तुम्हारी मम्मी को भी फोन कर दिया, तुम फौरन हॉस्पिटल चली जाओ। साहब आएंगे तो क्या बोलूं मैं उनको। साहब जी, साहब जी, साहब जी, वो मेम साहब जी। क्या हुआ मेम साहब को? वो भागती हुई आई और गाड़ी में बैठ के चली गई। चली गई? कहाँ गई? मैंने बहुत पूछा, कुछ बता ही नहीं साहब। किसका नंबर? हेलो, ये कहां का नंबर है? ये पीसीओ का नंबर है। पीसीओ का? जी हाँ। किसका फोन आया होगा? पता नहीं कहां गई है ये। हेलो, मैं अकरम बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? बहुत घबराए लग रहे हो। क्या अभी अभी हीना ने आपको फोन किया था? नहीं तो क्यों? पता नहीं, वो अचानक कार लेके कहीं निकल गई है। कार लेकर निकली है? कहाँ गई है? वही तो पता नहीं, वॉचमैन से भी कुछ कहकर नहीं गई है। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। शायद वो यही आ रही हो। जैसे पहुंचेगी मैं तुम्हें फोन कर दूंगी। ओके। हेलो। हेलो अबू। अबू, क्या हीना आपसे कुछ कहकर गई है? कहकर गई क्या मतलब? मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा। आखिर ये गई कहाँ है फिर? ये क्या बातें कर रही हो तुम? अरे अबू, अचानक कार लेके घर से कहीं निकल गई है। उसकी अम्मी से भी उसने कुछ नहीं कहा कि कहाँ जा रही है। अकरम, हीना से तुमने कोई झगड़ा तो नहीं किया? अबू कैसी बातें कर रहे हैं आप, बस एक फोन आया और वो फोन। हाँ अबू, जब मैं घर पे आया तो कॉलर आईडी पे एक नंबर था। मैंने उस नंबर पे फोन किया तो पता चला किसी पीसीओ का नंबर है। ठीक है, मैं कभी से साहब से भी बात करता हूँ। हेलो कमिश्नर हेयर। नमस्ते कमिश्नर साहब, मैं सरफराज बोल रहा हूँ। जी कमिश्नर साहब, वो मेरी बहू हीना कहीं अचानक कार लेकर गई है। हमें या उसके घर वालों को इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। काफी परेशान है हम लोग, प्लीज कुछ कीजिए। मैं अपने काबिल ऑफिसर और तमाम पुलिस स्टेशन को खबर भिजवा देता हूँ। आप घर जाइए और हीना के कुछ फोटोग्राफ्स मुझे भिजवा दीजिए। जैसे कोई खबर मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर हम भी परेशान हो रहा होगा। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू। Thank you.
पता चला? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो आपके घर नहीं आई? नहीं, मैंने इंतजार किया, जब वो नहीं आई तो मैं यहीं आ गई। उसके अब्बू को फोन किया लेकिन वो ऑफिस में नहीं है, और सभा को उनके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। समझ नहीं आता हो क्या गया, कहीं वो अपने अब्बू के साथ तो नहीं? बेटा हो तो सकता है, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो बिना बताए कहीं चली गई हो। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, आखिर वो गई कहाँ? 5 घंटे हो गए बाजी को गए हुए, और जीजू का भी कोई पता नहीं। पता नहीं बाजी के तलाश में कहाँ गए होंगे। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, मेरे बच्चे के साथ रहम करे। अक्रम, हीना का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। कोई फोन आया? हीना के बारे में किसी ने कोई इतला दी? अभी तक तो कोई फोन नहीं आया, और ना ही बाजी के बारे में कोई खबर मिली। बेगम, ये क्या सुना मैंने? अरे हमारी बच्ची, बेटी ये सब क्या हो रहा है? ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहाँ गई, किसके पास गई, और गई तो क्यों गई? देखो बेटे, तुमने अपने जान पहचान वालों से बात की, जो तुम्हारे करीब के लोग हैं उनसे पूछा? मैं सबके घर गया, सबसे पूछा, मगर तुमने पुलिस को इतला की? अब्बू ने कहा है कि वो कमिश्नर साहब से बात करेंगे। हेलो जी, जी अब्बू जी, ठीक है। क्या कहा सरफराज साहब ने? उन्होंने कहा है कि कमिश्नर साहब ने सभी पुलिस स्टेशन में खबर कर दी है, उन्हें हीना की फोटोग्राफ चाहिए, मैं लेके जाता हूँ। सुनो जी, तुमने समीर को फोन किया? मैंने सभी से हीना के बारे में दरियाफ्त किया, बस एक समीर से बात नहीं की। समीर को फोन लगाओ, फौरन फोन लगाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं अकरम बोल रहा हूँ, मुझे समीर से बात करनी है। जी शुक्रिया। क्या हुआ? समीर घर पर नहीं है। मोबाइल लगाओ, मोबाइल। उसका मोबाइल ऑफ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? जिस गाड़ी से हीना गई थी वो हमें वर्सोवा बीच पर मिली है। क्या? जी हाँ, और उस गाड़ी में से हमें टूटी हुई चूड़ियां और ये सैंडल मिला। ये हीना का, मैं पहचानता हूँ, हीना की सैंडल है। कार की हालत को देखकर लग रहा था कि उसे जबरदस्ती खींचकर उतारा गया होगा। मेरी बेटी की हिफाजत कर। लगता है हीना का किडनैप हुआ है। क्या?